क्षमा गणेशा, मैं आज आपने भादवा की चौथ माता की कहानी सुनाबा जा रही हूँ। तो एक गांव हो, गांव का मायने मार और बेटो हो। तो वो बेटो कहाँ करतो के गांव की गाया टोगड़िया ले जातो और आपको कांकड़ में चरा लेतो। तो कोई चारा ना देतो, कोई आटा ना देतो और कोई रुपये देतो। तो भाई यहाँ कर आपका माँ बेटा गुजारो करता। तो यहाँ करता करता बेटो बड्डो हुई गो, बड्डो हुई गो। एक दिन कहीं करो की माँ है जबकि बास थे लिया बागी। पहले है जो खटे माचिस से रखटे तुले हैं। तो पहले थे अगर बास थे लिया था, बास थे ओढ़ता चूल्हा के माए। तो वह पड़ोस के बास थे लिया बागी। तो बटा कहीं गणेश सार की लुगाया भेड़ी उमेली और भादवा की चौथ माता की कहानी सुन रही। जड़ बा बोली कि भाई आज थे सगले जने इतनी भेड़ी की हो रही, आज कहीं है। जड़ क्यों आज है जो भादवा की चौथ माता को माँ के व्रत है और मैं कहानी सुन रहा। जब क्यों चौथ माता की कहानी सुना पाऊं और व्रत करवाऊं कहीं बैठी। जब क्यों आपने घर के मायने अंधन आवे, लावण लागी लक्ष्मी आवे और अणपुत्र के पुत्र हुए और जगह कंवारा हुए बाको ब्याह हुए और जगह को ब्याह हुई ओढ़े जगह को मुकला हुए। जब क्यों क्यों अब बात है, क्यों आ बात है। जब क्यों भाई आ कहानी तो मैं ही सुन सू क्या सुने। जनक्यो देख भरत राज ले और मैं तो क्यों चार चौथ करा बड़ी। एक तो अभादवा की चौथ, एक माँ की चौथ और एक कार्तिक की चौथ, एक बैसाख की चौथ। और क्यों हर महीने भी चौथ कर सका। जनक्यो और हर महीने नहीं करे कोई तो अपन सब बड़ी चौथ है। एक तो करवा चौथ और एक माँ की चौथ तिलकोटा की। तो ये दो तो सुहागण भागण ने चौथ का व्रत करना ही चाहिए। जब भाई बात बात बोली कि नहीं भाई मैं तो क्यों हर महीने चौथ का व्रत कर सू। जब फिर बाप की घना की वास्ते है, जब बात तो आपके नहाए धोए और चौथ माता की कहानी सुन ली। कहानी सुन ली जब वो बेटो लिया तो चार आना आठ आना रुपयो। तो बाप की जाए और गुड़ ली आई और घी ली आई और आटो ले आए और आपकी चौथ माता को चूरमा बना लियो। जब एक चूरमा को लाडू तो गणेश जी के बना लियो और भी चूरमा की चार चौथ माता की पिंडियां बना ली और आपको और चूरमा मेल दियो। जब शाम हुई और आपके बाद चौथ माता की जोत देखी, जोत देखी जना गणेश जी के भी लाडू को भोग लगाए और वो आपका बेटा दे दियो। और चौथ माता की वे पिंडे ही जबकि भोग लगाए और वे कन्या दे दी। और फिर वह रात को चांद उगयो, जन चांद का अर्घ दे और वो चोरमो बा जीम लियो। जीम लियो जना एक दिन कहीं हो कि भी कोई बेटो है जो गांव में गुआड़ी ले बागियो, क्योंकि वो गाया टोकड़े चरा ले रहा तो कांकड़ के मायने। जब वो गुआड़ी ले बाड़ी बोले क्यों भैया तू तो है कांकड़ के मायने गाया टोकड़िया चरा बाउ जा और थारी माँ तो है जो को रोज का क्यों गड़कच चूरमो कर खावे। क्यों अब आते है क्यों हाँ। जब फिर वो आयो घरा घरा और आपकी मां ने बोले क्यों देख माँ कह तो तू चौथ माता को व्रत छोड़ दे या फिर मन छोड़ दे। जब फिर बाप माँ बोले क्यों नहीं बेटा, नहीं तो मैं तन छोटू और नहीं क्यों मैं चौथ माता को व्रत छोटू। जब बाप मन में क्यों आज तुम्हारा बेटा का कोई कान भर दिया अधिक है। जैया क्यों जन क्यों ठीक क्यों तू नहीं छोटे व्रत करवो तो क्यों मैं तो बारह कमाबा खबा जासे। जन क्यों ठीक बेटा तू यहां जावे तो ठीक। जब फिर क्यों ले क्यों ए तो कानी का तो आखा ले जा और वो पानी को कलशो ले जा, जठे भी थारे संकट आवे तो तुम आखा का दाना गेर दीजे और पानी गेर दीजे तो थारो संकट टल जैसे। वाह भाई भी को बेटो तो चाल पड़े, चालता चालता एक खूब नदी आई। खूब नदी आई तो अब वो कह रहे हैं कि आप तो नदी तो बहुत है, अब आप ये नदी में क्या निकल जा। जब क्यों आज देखन देखो मारी माँ सच्चा मनो चौथ माता को व्रत करे है तो देखा आज मारे आड्डे है। तो वो कहा करो आपको वह चौथ माता का गिमा का दाना घेर दिया और बिकल से थोड़ो पानी घेर दियो तो भी नदी तो बीचों बीच बिना गेलो मिल गो क्योंकि वो चौथ माता को नाम लियो। जड़ा गो आपका नदियों पार हो गो, पार हो गए जड़ फिर वो चाल तो बहुत बड़ो एक जंगल आयो। तो भी जंगल में भी तो रास्ता ही कौन मिल रहे हो
और जंगली जानवर शेर वगैरह नार ए धड़ुके भी मैं फेरो वो तो हाथ जोड़ और आपका वे आखा गिरिया पानी की घूंट गे और आपको चौथ माता को नाम लियो के चौथ माता आज तुम रास्तो बता जे देखा मारी माँ सच्चा मनो वो व्रत करे तो वो इया खियो और बिने आगे रास्तो मिल गो। तो आगे रास्तो मिल गो जना वो चलता चलता एक राजा को नगर आयो। तो भी नगर के बारे एक कोई पुरानी सी हेली ली तो भी हेली के माने बा बूढ़ी डोकरी एक बैठी और रोती जावे और आपके बाद माल कुआ बनाती जावे। जब फिर वो पूछो क्यों डोकरी माँ तू क्यों सुख को काम कर रही है तू अठे तो माल कुआ बना रही है तू अठे रो रही है। जन के बेटा रोन तो गाय करो मार तो एक ही बेटो है और एक ही क्यों राजा काल क्यों बड़ी चढ़ा सी जन क्यों मैं रोन क्यों माँ के राजा है जगो आहो पकावे बर्तन जना क्यों एक जना की बड़ी चढ़े जना क्यों वे बर्तन पक्के। जन फिर वो बोले क्यों डोकरी माँ तू टेंशन मत कर क्यों मन तो लाग रही है भूख जो मन ही माल कुआ खुआ दे और थारा बेटा ने भी खुआ दे पर थारा बेटा की जगह क्यों मन भेजे क्यों मैं जासु। जन क्यों नहीं बेटा मैं थन पराया पूत ने किए भेजो क्यों नहीं डोकरी माँ मैं जासु क्यों। जन क्यों ठीक जन फिर देखो बेटो ही सोएगो और वो भी सोएगो अब तो टाइम है और राजा तो आपको सिपाही ने भेज दियो सिपाही ने भेज दे जब आप मन में करे भगवान में पराया पूत ने किया भेजू तो आपके हाथ में लकड़ी ले मेरी एक माचा के बिक देवे लकड़ी की एक माचा के बिक दे और आपके मन में करे गए भगवान को तो परायो पूत है तो फिर वो तो उठ बैठे हो क्यों डोकरी में आएगा क्यों क्या हाँ बेटा आएगा। जब फिर वो तो आपको थेलो ले चाल पड़ो एक तो पानी को कलशे ले लियो और वे चौथ माता का आखा ले लिया गयो जना आहवा के मायने भी बैठा दियो आहवा के मायने वे बर्तन पके जब वो बैठ को बैठ और वो तो आपका वे आखा ले लिया चौथ माता का चार मेर और वो पानी को कड़से ले गो आपका चार मेर छिड़क लियो और फिर वे चार मेर लकड़ियां चिड़े और भी के ऊपर वे बर्तन मेल दिया बर्तन मेल दिया जन फिर वो तो आपको हाथ जोड़ और बोलियो के ये चौथ माता आज तू ये क्यों मारी माँ व्रत करे तो आज तो ही मारो संकट टाल दे यहाँ कह बैठ दो वाह जो दो दिन हो गया और तीसरे दिन तो बतो बर्तन पक्का पक्का जनपा का ही करो भाई खुमारा के बेटा की भो जो वह आपकी चारों मेर भी कहे बुहारी काटे तो वह कहाँ करा हम भी को पड़े जनपा बोले भाई जो को छह महीना बर्तन पक्के जगह आज तीसरे दिन किया पक्का बिम तो टन टन बोले जन फिर वह सगड़ा जार भी राजा ने क्यों क्यों राजा साहब क्यों क्यों कह तो छह महीना बर्तन पके और क्यों अब तो तीसरे दिन पक गया क्यों इसी का ही बात है। तो फिर राजा आयो हाथियों हाथ आपका सिपाही ले और देखे क्यों चलो क्यों क्यों हाँ भाई ये तो पक्का जब फिर क्यों चलो क्यों बर्तन उतारो जब फिर वे बर्तन उतार वाला गया बर्तन उतार वाला गया जन वो बोलियो क्यों भाई धीरे धीरे उतारो क्यों नीचे मिन्नत बैठे जब क्यों राजा साहब क्यों तो बैठे जो कहते क्यों भूत पलीर पड़ गो दिखे तो डर गया कि नहीं भाई नहीं तो मैं भूत पलीत हूँ और मैं तो मिन्नत हूँ पर फिर बर्तन धीरे उतारो। जब फिर भाई वे बर्तन सगड़ा उतार लिया देखे तो चारों मेर अत्ता तो झुमारा उग रहा और वो तो चौकी तरह भी तो कोई फूल की छड़ी को नहीं। जब राजा बोलियो कि भाई तू तो बहुत भाग्यशाली है जो को क्यों तू तो बच गो नहीं मैं तो कोई कौन बचे पर क्यों है तुम्हारी एक शरत है जना क्यों वो क्यों क्यों मैं भाग्यशाली का ही हूँ मारी माँ तो है जो चौथ माता को व्रत करियो तो बी के बजे मैं तो आज बचियो जब क्यों देखा आज थारे चौथ माता को मैं देखा जब मारा घोड़ा है दो जो एक घोड़ा पर तो मैं बैठ सू एक घोड़ा पर तन बैठा सी और क्यों थारा दोनों तो हाथ और थारा दोनों पग बांध सू जब आ रस्सी खुले और मारे बंद जैसी जड़ा मैं क्यों थारी चौथ माता ने जान सू के भाई साचे जन क्यों ठीक राजा साहब जब फिर भाई वो राजा तो भी ले गो ले जाए और आपका वो घोड़ा पे बैठ गो बिन घोड़ा पे बैठा दियो अरबी का दोनों हाथ बांध दिया अरबी का दोनों पग बांध दिया। तो फिर वो चौथ माता को नाम ले और आपको वे दाना मेल और आपको नाम ले दियो कि ये चौथ माता तू ही है कि हमारा संकट में आड़ दिया यार आज भी तू ही आड़ दिया जे वह वे तो भी राजा का बिकनो खुल अरबी का राजा का हाथा के बंद का और पगा के बंद का जड़ फिर वो राजा बोलियो क्यों हाँ भाई क्यों सच्चे है चौथ माता ही थारे
आटे आई पर क्यों तो बहुत भाग्यशाली है जो को मैं तुम्हारी लड़की को ब्याह थाराऊं करसु जन क्यों नहीं राजा साहब मैं तो गरीब आदमी नहीं तो मारे घर बार मैं थकी बेटी ने खटे राख क्यों नहीं तू तू तो बहुत ही भाग्यशाली है क्यों मैं मारी बेटी ने अरे थने दोने ने मारा भेल में राख जन फिर भाई वो आपको देखो ब्याह कर दिया आपकी बेटी को तो वह तो आपकी बेटी ने ज्वाइन आपका महल में रखे और भी नगर दमान है डंको लगा दियो के सब भी है चौथ माता को व्रत कर जो वाजन बा महल के मायने रहे दोनों जना जन फिर भाई बाहर जो भी की भोजया बिना ताना देवे के भाई मैं तो ब्याह भी हो गो तो भी माँ के नाना तो अठे माँ कर देवे अरे तो जाओ ही को नहीं यहाँ कर भाई वे ताना दे जन फिर वे देखियो भाई बेटी तो क्यों राजा महाराजा कही कौन खटाई बेटी तो पीर सास रहे आती जाती चोखी लागे जड़ फिर बाप की वे दोनों जना भी गए राजा का बेटी ज्वाई ऊपर चढ़ गया जना वो भादवा को मिलो तो भी तरफ है कि एक गांव की तरफ तो यहां थोड़ी बारिश हो रही है बिजली चिमके जड़ फिर बाप बोले आपकी पत्नी ने कह देख मारो बैठी ना गांव है जो आज तो बिजली चिमके जड़ फिर बाप आपका पति ने बोली क्यों था गांव भी है क्यों हाँ हमारे गांव भी है हमारी माँ भी है जड़ क्योंकि मैं हमारा पीर में क्यों रू क्यों चलो मैं तो थके गांव चाल सू जड़ क्यों ठीक जड़ फिर बाप की राजा की बेटी है जी की आपकी भौजाई ने बोली आपकी माँ ने बोली क्यों हमारी तो विदाई करवा की तैयारी करो और मैं तुम्हारे सास रह जा सू मैं तो पीर में कौन रू जड़ फिर पे की माँ है जी की जरी बादड़ा का तो बेच गया खूब हीरा मोती खूब इन धन दौलत दियो और बिक राजा ने किया जगह रथ पे लिया श्रृंगार और आपका बेटी जो है बैठा है और राजा आपकी बेटी ने विदा कर दी जना चालता चालता भाई देखो लड़का को तो गांव आएगा जो गांव का दिख है कि भाई वो कौन आ रहे है वो है तो क्यों डोकरी को बैठो वो तो क्यों ब्याह कर आएगा रथ बेला मायने बैठे ढोल नंगारा बाज गया जब फिर अड़ोसनी पड़ोसनी बोली भी क्या देख डोकरी क्यों थारो बेटो तो परनीज रहेगा क्या नहीं भाई मारो बेटो खटे है मारा बेटा का तो कान भर गया जो वो तो कोई मारे बेटा किस्मत में खटे नहीं क्या कान ठीक खटे है क्यों नहीं क्यों देख थारो बेटो तो परनीज रहेगा तू तैयार आकर संभाले बाकी जड़ फिर बा आपकी ऊंची हो रही है देखे है तो सचाई के है तो मारो ये बेटो तो बट डोकरी आपकी खूब खुश हुई और आपके बेटा ने भुने समझ लियो समझ ले और पूरा नगर का मायने बुलाओ दिलायो क्या भाई मारे जिम बाजो और खूब आपकी राजी जड़ बाप भू है जी तो सासू को पगा लागे सासू भूखे लागे जन बाप भूखियो नहीं सासू जी भू सासू के पगा लागती चौखी लागे जन बाप सासू क्यों नहीं बहुत धारा भाव में मारो बेटो घर आयो आज परनीज रायो जन फिर वह भादवा की चौथ माता आई जन फिर वह ससुर भू वो व्रत करो बिकी कहानी सुनी चौखी तरह जन फिर चौथ माता है बिका झोंपड़ी की लात की दी जन चौखा तो बिका भेल मारिया होगा बढ़िया और चौको बिका बेटा को धंधो लागो चौको बहुत धंधो करे चौकी सासुर भूर चौकी तरह रे तो सुनता ने खेता ने और हुकारो देता ने ये चौथ माता सब नहीं फड़ दीजिए।